दो किलो कट्ठा में गिर जाए तो हमने हो जाए दो किलो। अरे मैंने हमारे 16 कट्ठा खेत बा है ना, सुनिए हनु तो यही पर लोग खड़ा होला यही पे ऊपर तो नीचे वाला हो जाला तो हर गया फौज जाता है टाइट बैठ गया बा वो टाइट तनी को करिया बा हैंगे वाला हम हालिया हो हैंगे ना चलत रहलो सीडर जो अभी नया है हमारे गांव क्षेत्र में, लेकिन इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है। और अब ये यहाँ से लेकिन जाम लगे थे। तो दोस्तों इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको ध्यान देना पड़ता है, यहाँ से जो बिया आ रहा है जाम ना हो ये भी ध्यान देना पड़ता है, कभी नीचे से घास फूस फंस गया तो जाम हो जाता है, यही ना। ठीक है, सब बाब है। अब इसको बराबर किया जा रहा है ताकि हर जगह पे बराबर बीज फैले और हर जगह पे बराबर बीज गिरे, जिससे कि पैदावार एक समान हो।
बिया कम पड़ गया, कम होता भी हुआ नहीं भी हो तो डाल दे चौहे और डालक पड़े। हाँ वो भी डाल दे अगले। ये 20 केजी का बोरा है जिसमें से 5 केजी निकाला गया है, अब इसको लेकर चलेंगे। यही है किसान जो अपने खेत में दिनों रात मेहनत करता है इन सब चीज़ों से रिलेटेड। और अभी ये तो कुछ नहीं है, अब हम वही में बा मटिया चकवरा चल तो जाम कर दी। रोलरवा चली जाम कर दी तो रोलरवा कहाँ है रुक जाता बार बार बिचवा में नरम माटी पाव था। अच्छा बिवा हाँ चला 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 निकल गई चला चला निकल गई चला बस 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 अब इस पे रहना पड़ेगा लगातार, काहे कि एकदम कम हो गया है, मिलाते रहना पड़ेगा भी हुआ। कितना पट्टी है बस वही है ना ये और वो। तो इस तरीके से खेतों की जुताई का कार्य चलता है। अभी ये बिल्कुल नई मशीन है, नई टेक्नोलॉजी है, पहले अलग तरीके से सारे कार्य होते थे।
ये पूरा प्रोसेस था।